चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स इन लोएस्ट टर्म. निम्न में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं अपने न्यूनतम रूप में है. ये कुछ रैशनल नंबर गिवन है, इसमें से कौन कौन से लोएस्ट टर्म में है और कौन कौन से नहीं है ये हमें बताना है. सबसे पहला नंबर गिवन है 8/12. 8/12 इसको तो हम लोग और अभी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. 4 2 8, 4 3 12, ये क्या आ गया 2/3. तो मतलब 8/12 जो था वो अपने लोएस्ट टर्म में नहीं था क्योंकि इसका लोएस्ट टर्म क्या है 2/3. तो इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह से 8/12. तो 8/12 अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है 5/7. 5/7 को तो हम लोग और अभी फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ये 5/7 ऑलरेडी क्या है अपने लोएस्ट टर्म में है. फिर है -3/12. -3/12 इसको भी हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अभी 3 1 3, 3 4 12, तो ये हो जाएगा -1/4, यानी कि 3/12 -3/12 अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है. 8/12 अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है. -5/7 था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है -6/7. तो -6/7 को भी हम लोग फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो ये अपने लोएस्ट टर्म में ही है. नंबर 5 क्या गिवन है 2√3/√27. 2√3/√27 इसको हम लोग फर्दर सॉल्व ऑब्वियसली कर सकते हैं. ये हो गया ये. जब हम लोग रूट 27 को ब्रेक करेंगे तो ये एक्चुअली क्या है 3 3 9, 9 3 27. तो ये हो जाएगा हमारा, ये है तो ये रूट के बाहर निकल आएगा क्योंकि ये पैर में है, तो ये 3 बाहर आएगा और अंदर बचेगा सिर्फ रूट थ्री कट हो गया, बचा 2/3. तो मतलब 2√3/√27 भी अपने लोएस्ट टर्म में नहीं था. नेक्स्ट क्या है 15/24. नंबर 6 है 15/24. इसको भी हम लोग 3 से काट सकते हैं. 3 5 15, 3 8 24. तो 5/8 जो है ये इसका लोएस्ट टर्म है. तो मतलब 15/24 जो था वो भी अपने लोएस्ट टर्म में नहीं था. अब देखिए लास्ट में इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे. क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स इन लोएस्ट टर्म. कौन कौन से लोएस्ट टर्म में है. तो कौन कौन से थे, आंसर हो जाएगा हमारा 5/7 ये था, -6/7 ये था. बस बाकी सबको तो हम सबका लोएस्ट टर्म हम लोगों ने निकाला है, तो ओनली 5/7 और -6/7 जो है वो अपने लोएस्ट टर्म में था.